मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज हमने, मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है, उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है। एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1,00,000 ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1,00,000 नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को, फ्रेश ब्लड 1,00,000, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1,00,000 नए नौजवान कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो दल में जाए, उस वो दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बनकर के आगे आए, देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1,00,000 ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा। और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होना है।